नमस्कार दोस्तों, अबू धाबी में चल रही T10 लीग 2019 का मैच नंबर 6 नॉर्थन वॉरियर्स और कोलंडर्स के बीच बहुत ही जबरदस्त मैच खेला गया। नॉर्थन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलंडर्स ने निर्धारित 10 ओवर में 112 रन बोर्ड पर लगा दिए। सलामी बल्लेबाज टॉम बेंटन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा। टॉम बेंटन ने 28 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए नाबाद 53 रन बनाए। 113 रनों के लक्ष्य को पाने आई नॉर्थन वॉरियर्स की पूरी टीम 9 ओवर्स में 46 रन पर ही ढेर हो गई। नॉर्थन वॉरियर्स के सैम बिलिंग्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज 2 अंकों के स्कोर तक नहीं पहुंच पाया। पिछले मैच के हीरो रहे आंद्रे रसल इस मैच में सिर्फ 1 रन ही बना पाए। कोलंडर की तरफ से लहरू कुमारा और जॉर्ज गार्टन ने 3-3 विकेट झटके, जिसकी मदद से कोलंडर्स ने यह मैच 66 रन से जीत लिया। सीकू के प्रसन्ना ने 2 ओवर में 7 रन देके 2 बड़े विकेट झटके, जिसमें सैम बिलिंग्स और आंद्रे रसल का बड़ा विकेट भी शामिल था, जिसके लिए सीकू के प्रसन्ना को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया।